सोलन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त सोलन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस आयोजन में जिला भर से आए 150 युवक युवतियों ने भाग लिया। इस मौके पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत युवाओं को देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी जाएगी और जो योजनाओं के प्रति युवाओं की शंकाएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यशाला में डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया, इन योजनाओं के बारे में युवाओं को जागरूक भी किया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए नेहरू युवा केंद्र की समन्वयक ईरा प्रभात ने बताया कि आज कार्यक्रम के दौरान जिला के अग्रणी युवक और महिला मंडल जो समाज की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं उन्हें आज सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें जिला स्तर पर शिक्षा क्रांति संस्थान को जिला स्तर पर प्रथम स्थान पर रहने पर सम्मानित किया गया, जिन्होंने सोलन को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अहम योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए युवाओं का मार्गदर्शन किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य है युवाओं में जो प्रधानमंत्री जी के फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें डिजिटल इंडिया, मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया, इसके बारे में युवाओं के साथ संवाद स्थापित करना और उन्हें इन योजनाओं के बारे में जानकारी देना, ताकि वो अपने देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। आज ही के दिन हमने उन युवाओं को और महिला मंडलों को सम्मानित किया है जिन्होंने इस वित्तीय वर्ष में चाहे वो स्वच्छता में अपना योगदान दिया हो या फिर जो भी सामाजिक कार्य हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का वो उसमें योगदान दिया हो।